आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आज हम पूरे व्यापारी समाज की ओर से, मैंने व्यापारी समाज ये सब इसलिए बोला है कि व्यापारी समाज में कोई जात या प्रांत का कोई हिसाब नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक है। हम उनके जो लॉकडाउन के खिलाफ हम यहाँ पर हमारी बात रखने के लिए आए थे। हमने एडिशनल एसपी साहब चंद्रकांत जी खांडवी जी, बाद में हमारे प्रांत साहब विजयानंद जी शर्मा और एडिशनल कलेक्टर साहब निकम साहब, उनके पास हमारी व्यथा हम व्यापारियों की हमने यहाँ पर रखी हुई है। अचानक जो लॉकडाउन इन्होंने जाहिर किया है, ये दिखाते हुए किया गया लॉकडाउन है, ऐसा हमारा कहना है। जो 10% उन्होंने इसके अंदर कहा था कि इसेंशियल कम्युनिटी को ही खुला होता है, तो लॉकडाउन के वक्त ऐसी था कि उन्हीं लोगों को अलाउड किया गया, तो ये पूर्णतः लॉकडाउन है। हमें पहले ये लगा था कि शनिवार सैटरडे और संडे, बोलते शनिवार और रविवार के दिन ये पूरा बंद रहेगा, उसलिए व्यापारी समाज ने सब लोगों का इसके लिए सहमति थी, बराबर है ना व्यापारी भाइयों, कि शनिवार और रविवार दो दिनों के लिए अगर बंद होता है, फुल कर्फ्यू जैसा वातावरण करो, किसी का कुछ कहना नहीं है। लेकिन रमजान का पूरा सीज़न सामने है, सभी 14 अप्रैल का सन आ रहा है, उसके बाद में पाड़वा जैसा गुड़ी पाड़वा है, कई लोगों की शादियां रुकी है, शादियां चल रही है, तो या अंत्येष्टि का सामान तक के लॉकडाउन के अंदर ये सभी चीज़ों की बारे में कहीं सोचा नहीं गया है। लॉकडाउन में ये लोगों ने जाना कहाँ, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं। व्यापारी ने जाना कहाँ है, पूरा माल उन्होंने स्टॉक करके रखा है। अप्रैल महीने के अंदर हम सब लोगों को अनेक तरह के जो टैक्सेस है वो अभी देने हैं। हमारी टैक्सेशन की फर्म तक के बंद है, जो हमारे वकील साहब हैं उनके भी ऑफिसेज बंद हैं। तो लॉकडाउन ये कौन से हिसाब से किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल व्यापारियों के सामने आके खड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं कि आप सोमवार से लेके तो शुक्रवार तक के पूरे दिन भर में आप आराम से व्यापार को व्यापार करने दो। व्यापार में कोई इतनी भीड़ नहीं होती है, आप पूरा मार्केट में जाके आइए, कोई दुकान में अंदर आप जाते हुए तो पूरा कस्टमर से दुकान कोई भरा नहीं होता है दिन भर, तो इसका भी अपने सोचना चाहिए। उसके व्यापार के साथ में उसके ऊपर काम करने वाला उसके ऑफिस का कर्मचारी होगा, ऐसा कुल मिला के पूरा एक बड़ा परिवार बन जाता है। और आप अचानक एक दिन बोल देते कि कल से हम शटडाउन कर देंगे, तो आप इनके बारे में क्या सोचा, क्या आप इनको कुछ पगार देने वाले हो, व्यापारी के कोई बैंक का हफ्ता आप देने वाले हो, या उसके कोई टैक्स बंद करने वाले हो। कॉरपोरेशन ने लॉकडाउन के पिछले लॉकडाउन के पूरे वक्त के अंदर एक दिन का भी किराया माफ़ नहीं किया, जिसको हम टैक्स बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। घर पट्टी माफ़ की थी क्या, एक दिन की भी माफ़ नहीं की। उसके बाद में MSEB का एक दिन का लाइट बिल भी माफ़ नहीं किया, और अचानक शटडाउन कर दे रहे भाई। ये व्यापारी समाज के ऊपर की गई बहुत बड़ी जाति है। हम ये सरकार को फिर से विनती करेंगे, व्यापारी तो भाई विनती करता है, पहले विनती करेगा उसके बाद में बंद कर देंगे, रास्ते पे आ जाएगा। व्यापारी समाज की ये पहली विनती है, वो ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि भाई आप सरकार को सुन ले, हम लोगों को रियायतें दे, आपकी जो कंडीशन है वो भी हमें मंजूर है, लॉकडाउन करना चाहिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथीदार हैं, लेकिन अगर आप हमको मारेंगे, हमको बंद कर देंगे, तो ये कामकाज नहीं चलने वाला। ये ताना बाना है, ये सरकार भूल गई है, ये ताना बाना है, ये सरकार भूल गई है। दोनों चीज़ें अगर चलेंगी तो बराबर काम होने वाला है। हम इनको विनती करेंगे कि आप सरकार अपनी आंखें खुली रखें, जन भावना का पूरा आप विश्वास कीजिए, उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए और काम कीजिए। और सबसे अहम बात, स्थानीय प्रशासन को महाराष्ट्र सरकार की आपातकाल व्यवस्थापन के बारे में जो गाइडलाइन दी गई है उसके अंदर सुस्पष्ट कर दिया है कि अगर आप स्थानीय प्रशासन को लगता है कि वो अपने यहाँ पर स्थानीय की रीत्या कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, उनको रियायत देने का पूरा अधिकार है, तो मालेगांव की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोमवार से लेकर तो शुक्रवार तक के पूरी दुकानदारों को रियायती दें, और मार्केट में फैला हुआ व्यापारियों का जो दहशत है वो बंद कीजिए। इतना हम कहते हैं पूरे व्यापारी तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालेगांव की विशेष परिस्थिति देखते हुए मालेगांव को विशेष रियायत देना चाहिए, पूरे मालेगांव को छूट मिलनी चाहिए, सोमवार से शुक्रवार तक व्यापार चालू रहना चाहिए पूरे मालेगांव का, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मालेगांव का बहुत बड़ा त्यौहार है,
इसका सभी ने ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अभी परेशान हो गए, वो रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है और उस पर हमारा जोर चलेगा नहीं और गाँव में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की बड़ी संभावना है। कृपया आप सभी लोग हमको सहयोग करें, ये हमारा अधिकारी गणों से बहुत बहुत नम्र विनंती है कि कृपया आप भी सहयोग करें, हम भी आपको सहयोग करें। अपने को मिलके कोरोना से लड़ना है, अपने अपने आर्थिक परिस्थिति से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, ये कृपया अधिकारी वर्ग ध्यान रखे। और एक जरूर विनंती है कि व्यापारी व्यापारी है वो गुनहगार नहीं है, व्यापारी के साथ अच्छी सम्मानजनक वागणूक करे, कृपया कार्रवाई करने का टाले। बहुत बड़ी विनंती हमारी, अभी हम भी सस्टेन नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे सब व्यापारी परेशान हैं और उनके साथ काम करने वाले भी परेशान हैं। पिछली बार का जो माहौल था पूरा पूरी दुनिया दहशत में थी कोरोना के, और इसलिए व्यापारी भी कोरोना के दहशत में था। व्यापारियों ने उस समय सरकार को साथ दिया, उस समय व्यापारियों के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी और व्यापारियों को ऐसा लगा कि सरकार लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ तो भी व्यापारियों के हक में, व्यापारियों के फ़ायदे में कुछ तो भी टैक्सेस का माफ़ करेंगी या कुछ तो भी ऐसा कुछ करेंगा जैसे जिससे व्यापार में बहुत बड़ी एक प्रकार से कुछ उसको सांत्वना मिलेंगी। पर देखा कि लॉकडाउन उठने के बाद व्यापारियों को शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई, उल्टा MSEB के बिल बढ़कर आ गए और जो मोरिटोरियम के लिए बैंकों के हफ्ते जो सरकार ने बोले थे कि आप उसको माफ़ कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी बहुत सारी जो अलग अलग अटी शर्ती लगा के आई है उसमें उल्टा ब्याज ज़्यादा बढ़ के आया है। मतलब इस एक तरह से व्यापारियों को सरकार ने उल्लू बनाया है। और आज का जो माहौल है, आज देखो आज मालेगांव शहर की जो स्थिति है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र से अलग है। यहाँ का व्यापार पूरी तरह से रमज़ान पर निर्भर करता है, 10 महीने एक अलग तरीके अलग होते हैं और रमज़ान का महीना एक अलग होता है। इस बार व्यापारियों को थोड़ा बहुत भी उधार मिलने की ये नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, इसलिए व्यापारों ने कर्जा लेके, बड़े पैमाने पे कर्जे लेके माल भरे हुए हैं और आज 2 महीने पहले हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है, जाके हमारे को रमज़ान के महीने में माल मिलता है। आज हमने रमज़ान के भरोसे पे जितना भी हमने नुकसान सहन किया है, पूरी उम्मीदें हमारे रमज़ान पे दारोमदार थी, टिकी हुई थी कि रमज़ान अच्छा चलेगा तो हमारे पिछले कर्जे और जो अभी हमने कर्जे लिए वो थोड़ा बहुत हम कम कर पाएंगे, हमारे कामगारों को हम लोग पगार दे पाएंगे। पर आज ऐसा माहौल बन के आया कि पूरा रमज़ान अगर इस तरह इस बार भी गया तो कोरोना से कम लोग मरेंगे, आत्महत्या से ज़्यादा लोग मरने वाले। मालेगांव शहर की हालत सही में से हो रही है, आप मजाक मत समझो, आप जितने भी शासन अधिकारी बसे बैठे हो, हम लोग तो आत्महत्या करने की हमारे नौबत आएंगी, हमारे कामगारों की भी नौबत आएंगी। कामगारों को पैसा नहीं रहेगा, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो, ऐसा माहौल बनेगा, इतनी बड़ी तकलीफ आ जाएंगी। आज के तारीख में आप देखो कि हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर जब पैसे हों तभी वो अपने इलाज करेगा ना, पैसे नहीं रहेंगे तो इलाज कहाँ से करेगा। तो मेरी सरकार से बहुत ही नम्र विनंती है कि व्यापार थोड़ा बहुत तो भी चालू करने दिया जाए, ताकि थोड़ा तो भी हम लोग कर्जे नहीं भी उतार पाए पर पेट तो भरने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पेट भरने के लिए अगर हमारे पास और हमारे कामगारों को पैसा है तो हम कहाँ जाएंगे, किसके अभी सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद है नहीं, सरकार तो हमारा कुछ करने वाला नहीं है, पिछली बार तो उम्मीद थी सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, अब कहाँ जाएंगे। इसलिए और शासन से तो हमारी निवेदन है ही, आप मीडिया से भी हमारा निवेदन है कि भी व्यापारों का जो दर्द है, हमारा दुख है, हमारी जो भी भावना है, आप भी हमारे पास हमारी बात समझो और हमारी बातें सरकार तक पहुंचाओ। आप सबसे हमारी निवेदन है कि आप भी हमारे भाई हो, हम जिंदा रहेंगे तो आप जिंदा रहोगे, इसलिए आप हमारे साथ हो, आप हमारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से पहुँचाओ हमारी बातें।